वेलकम बैक गाइस टू न्यू वीडियो ऑफ टेक रोहित। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन ओएस 11 विजुअल्स के बारे में और एंड्रॉइड 11 जो कि वन प्लस में हमें देखने को मिलेगा। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर ही देना। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चेंज जो हमें इस फोन को पिकअप करने से पहले ही पता चल जाएगा वो है इसका स्टाइलिश डिस्प्ले मोड, जिसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके और नए किसी मोड को भी चूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें स्टैंडर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं बहुत सारे। और एक ऐसा स्टैंडर्ड मोड जिसमें कि आपको विजुलाइज कर लेगा आपके फ़ोन को थ्रू आउट द डे कितना यूज़ करने वाला है डाटा, कितनी सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, तो उस हिसाब से आपको बैटरी नए स्टाइल के साथ में दिखेगी। वेदर एंड क्लॉक एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसमें वेदर काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स के साथ में दिखता है उसका एप्लीकेशन। और इसमें जो यूज़र इंटरफेस है वो सैमसंग के सिमिलर का टाइप का है, जैसे कि टेक्स्ट का स्मॉल होना और बोल्ड टू स्मॉल मोड में चेंज हो जाना। और फोन्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है इस नए इंटरफेस में, और जिससे कि हम हालांकि अगर आपके यूजर्स के हिसाब से यूज़र अपने फोन्स को रेगुलर मोड पे भी ले जा सकता है स्टैंडर्ड मोड से, आप इजीली स्विच कर सकते हो सेटिंग्स में जाकर। कलर कोड करेक्शंस काफ़ी ईजी हैं, जहाँ पर आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। आप सेटिंग्स को इंटरफेस जो है सेटिंग्स का, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है वो है इसका टाइपोग्राफी इन विजुअल्स, जो कि नए ऑक्सीजन ओएस 11 में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखते हैं। टाइपोग्राफी का वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ हुआ है इसमें, और विजुअल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है ऑक्सीजन 11 में। डार्क मोड को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करके, और अगर आप चाहते हैं कि आपका डार्क मोड शेड्यूल हो जाए, जैसे कि सनराइज़ के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे ये डार्क मोड हो जाए, तो आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हो इसमें आपके यूजर्स के हिसाब से। एक चीज़ जो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है वो है ज़ेन मोड। आप ज़ेन मोड में रूम क्रिएट कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हो जिनके पास में वन प्लस है। न्यू मीडिया कंट्रोल्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, जहाँ पर आप ईजिली सॉन्ग्स को आगे पीछे भी कर सकते हो नोटिफिकेशन बाहर में ही, और इसका जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये थी कुछ चीज़ें जिसमें इंप्रूवमेंट हुआ है ऑक्सीजन ओएस 11 के, जैसे कि विजुअल्स में, टाइपोग्राफी और वेदर एप्लीकेशंस के अंदर जो इंप्रूवमेंट हुआ है। और हालांकि इन सब इंप्रूवमेंट को देखने के लिए हमको सितंबर 8 तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ओएस 11 सितंबर 8 को रिलीज़ होने वाला है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लो जल्द से, और हम ऐसे ही सिंपल वीडियोस बनाते रहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू।